go to the next one. दूसरे की ओर जाएंगे. The next letter is Kaf. जो अगला शब्द है वो है काफ. Okay, and Kaf means, you see, ये देख रहे हैं आप हाथों में. In Hebrew, every alphabet is also a picture. और इब्रानी भाषा में हर अक्षर का एक चित्र होता है. And this picture is a picture of a serving hand. और ये जो चित्र है, वो हाथों का ऐसा चित्र है जैसे सेवा करने वाला. What is the opposite of serving hand? और सेवा करने वाले हाथों का विपरीत क्या होगा? जीवन में आपको कहाँ जाना है उस सिद्ध मंजिल की ओर आपको बढ़ाया जाएगा और कुछ मिस जाएगी. अरे बुरा आत्मा हमेशा आपको गलत मार्गदर्शन करेगा. There was a brother in our ministry. हमारे सेवकाई में एक भाई थे. And he wanted to do many things. वो भाई बहुत कुछ करना चाहते थे. He wanted to go here, he wanted to do this, he wanted to go there. वो भाई इधर भी जाना चाहते थे, उधर भी जाना चाहते थे. Every day he came up with new ideas. वो हर दिन एक नए विचार के साथ आते थे. He was like, you know, the chameleon, the lizard that changes color. He was like, every day another idea. और वो हर दिन एक गिरगिट के समान होते थे. नया आज नया रंग, कल नया रंग. But I looked at him one day. मैंने उनकी तरफ एक दिन देखा. And I said, I am going to give you advice. मैं आपको एक सुझाव दूंगा. And according to how you are, I think that's the best thing to do. Listen to me. और मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार का आप हो, आपके व्यक्तित्व के आधार पे ये बेहतरीन सुझाव होगा आपके लिए. And by God's grace, और परमेश्वर के अनुग्रह से, he listened to me. उन्होंने मुझे सुना. And he went to do a Bible school training. और उन्होंने बाइबल स्कूल ट्रेनिंग किया. Which also had photography training. और उसके साथ साथ फोटोग्राफी की भी ट्रेनिंग किया. And he qualified himself. और उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें उम्दा किया. In the area of photography. और फोटोग्राफी के क्षेत्र में. And also in the area of Bible. और बाइबल के क्षेत्र में भी. When he came back to Nepal. जब वो नेपाल आए. Now he started getting business orders. और उनको जो है बिजनेस के ऑर्डर मिलने लगे. All over Nepal. पूरे नेपाल में. And he's doing that even for us and for others. और हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी. So I was able to guide him. और मैं उनको उससे मार्गदर्शन कर पाया. And there were other people also around his life who were giving him all sorts of wrong advice. और उसके आसपास और भी ऐसे लोग थे जो गलत-गलत मार्गदर्शन उन्हें कर रहे थे. But praise God, they didn't succeed. लेकिन प्रभु का स्तुति हो कि वे लोग उसपे कामयाब नहीं हुए. He listened to me, I was able to guide. और मैं उन्होंने मेरी सुनी और मैं उनको अच्छे से मार्गदर्शन कर पाया. Finally, he was teachable. और वो सीखने योग्य बना. And he succeeded. और वो आगे सफल हुए. So now let's go to this one. और इसकी ओर जाएंगे आखिरी वाले की ओर. What is the opposite of serving others? सेवा के विपरीत क्या है? I refuse to help. मैं इनकार करता हूँ मदद करने. So a good leader always serves you. और एक अच्छा अगुआ हमेशा सेवा करेगा. Always ready to help you. आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा. He's ready to give his time. वो अपना समय देने के लिए तैयार है. He's ready to give his talent. वो अपना योग्यता अपने गुण आपको देने के लिए तैयार है. He's ready to give his treasure. वो अपना पूरा खजाना आपको देने के लिए तैयार है. He's ready to give his money to you. वो अपना पैसा भी देने के लिए आपको तैयार है. Time. समय. Everybody say time. समय. Talent. योग्यता. So let's say first English then. Time. Talent. Treasure. Money. समय. समय. योग्यता.